माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंटेज के टाइप्स, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि आप इस वीडियो का आनंद लें, इसके बातों को सीखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबा दें, बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप तक जो भी हम डालें वो बदस्तूर पहुंचता रहे। और आइए आज हम लोग देखें, हम लोग का जो चैप्टर है, हाँ एक गड़बड़ी हमारे साथ है कि आज हमारे पास काला या ब्लू पेन नहीं है, तो आज हम लोग लाल और हरा इसी दोनों से काम चलाएंगे। चैप्टर हम लोग का है परसेंटेज। टाइप्स, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। आइए सबसे पहले हम लोग यह डिफाइन करें कि आखिर प्रतिशत किसको कहा जाता है। व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ड परसेंटेज? परसेंटेज रेट को शो करता है, दर को बतलाता है। ये एक, जैसे आप बोलते हैं कि आज अमरूद 20 रुपए प्रति केजी है, आप बोलते हैं गाड़ी की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप बोलते हैं कि केले की कीमत 60 रुपए प्रति दर्जन है। ठीक वैसे जब हम लोग प्रतिशत की बात करते हैं तो यह भी दर पर चीज़ों को बतलाता है। हाँ, अंतर ये होता है कि चावल है 12 रुपए प्रति केजी, यानी एक केजी का दाम 12 रुपया है, और परसेंटेज में अगर हम बोलें कि 20% लड़के, तो इसका मतलब होगा कि प्रति 100 20। आज हम लोग सबसे पहले टाइप वन में हम लोग देखेंगे, हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप वन, छोटी बातों को सबसे पहले अहमियत हम लोग देकर सीखेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर आप चैप्टर को समझ पाइएगा। तो बच्चों, टाइप वन में है कि अगर आप 5% की बात करें तो यह होगा 5/100, और यह हो जाएगा 1/100। इसी प्रकार अगर हम लोग 4% की बात करें तो यह होगा 4/100, जिसको हम लोग लिखते हैं 1/25। एक और हम लोग ले लें, 2% बराबर 2/100 बराबर 1/50। तो अब इसको थोड़ा इस प्रकार देखिए कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग भाग दे देते हैं 100 से, यानी 100 से आप भाग दीजिएगा, इसके बाद जो भिन्न आपको मिलती है वह उसका फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब आइए हम लोग यहां से आगे की जानकारी को एकत्रित करें, लेकिन पहले ये बात बता दें कि प्रतिशत को देखने का एक तरीका भिन्न का भी है, यानी हर सवाल में जहां भी प्रतिशत है भिन्न तो आपको होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग सीखें कि साहब आसानी से किस प्रकार आप भिन्न या परसेंटेज को एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे अब किसी ने आपसे कहा कि 15% कितना, आप लिखिए यह होता है 5% × 3, 5 × 3 = 15। तो इस जगह हम लोग 5% को आपने देखा है कि यह 1/20 होता है, तो आप इसको सीधे लिख दें 3/20। किसी ने आपसे अब पूछा कि भैया 12% कैसे हम लोग लिखें, तो ये देखिए 4% होता है 1/25,
तो यह हो जाएगा 4%, और इसमें हम लोग गुना कर देते हैं 3 से, तो यह हो जाएगा 4% के लिए 1/25, तो यह हो जाएगा 3/25। इसी प्रकार अगर किसी ने आपको कहा कि साहब 6% कितना होगा, तो आप जानते हैं कि यह हो जाएगा 2% को गुना कर देंगे 3 से, तो यह हो जाएगा 3/50। आप इस जगह बढ़िया से काम कीजिएगा अपने मन से, घर पर बैठे बैठे। जैसे किसी ने कहा कि 35% कितना है, 5% आपको याद है, यह होता है 1/20, और 35 5 का 7 गुना है। ये देखिए रिलेशन, 5 में अगर आप गुना कर दीजिएगा 7 से, तो आपको मिल जाएगा 35%, यह हो जाएगा 7/20। इसी प्रकार अगर आपके मन में आया कि साहब 28% क्या है, तो 28% हो जाएगा 4% को गुना कर दीजिएगा 7 से, यह हो जाएगा 7/25। तो ये एक हिंट है आपके लिए, होमवर्क भी है। हम लोग जब अगले क्लास में आएंगे तो इस जगह से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आपको उन प्रतिशत के लिस्ट को हम दे देंगे जिसको आप याद करके, मेमोराइज करके परीक्षा हॉल के सवाल को आसानी से फ्रैक्शन में बदल कर बना सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि याद बाद में कीजिएगा, सबसे पहले समझिए, समझिए कि किस प्रकार हम लोग ये 5 को 4 को 2 को, आप और भी इसी प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप यूज कीजिए। अब हम लोग दूसरे टाइप पर चलते हैं, टाइप 2। पहले इसको हम साफ कर लें। टाइप 2 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार फ्रैक्शन को परसेंटेज हो। आइए देखें, जैसे किसी ने कहा आपको कि भैया जी 1/8 को बदलिए प्रतिशत में, तो हम लोग बनाते कैसे हैं, 1/8 को 100 से गुना कर देते हैं और यहां परसेंटेज मार देते हैं। आप जानते हैं यह चिन्ह खुलने पर 1/100 प्रदर्शित करता है, तो ये 100 कट गया और 1/8 बराबर किसके हो गया, 1/8। अब अगर आप इसको काटते हैं, जैसे 4 से काटिएगा तो यह हो जाएगा 25 चौका 100, 4 गुना 8, यह हो जाएगा 12.5%। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम लोग फ्रैक्शन को, दिए गए फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलते हैं या बदल सकते हैं। अब इस जगह कुछ और हम लोग सीखते हैं कि इस 1/8 को अगर दूसरे ढंग से हम लोग अप्रोच करते तो यह हो जाता 1/2 × 1/4। किसी एक को आप प्रतिशत में बदल दीजिए, जैसे अगर हम लोग 1/4 को देखें तो ये 1/4 हमारा हो जाता है 25%, तो यह हो जाएगा 25/2%, जो हो जाएगा 12.5%। फिर आइए, किसी ने कहा कि भाई 1/6 को बदलिए परसेंट में, 1/6 हो जाएगा 1/3 × 1/2। आसानी से अभी तुरंत हम लोग पढ़े, 1/2 बराबर होता है 50%, यह हो जाएगा 50/3, और ये परसेंट यहां लिख दीजिएगा क्योंकि 1/2 होता है 50%, यह होगा 16.2/3। तो आप यहां और आप ले सकते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप इस जगह इत्मीनान से काम करें, इस पर अपना खुद का तरीका इतना नेचुरल कर लें कि आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस हिंट्स को अगर आप प्रयोग में लाते हैं, जैसे किसी ने आपको कहा कि भैया 1/12 को प्रतिशत में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 × 1/2 को अभी तुरंत आप निकालें, 50/3, तो यह हो जाएगा 50/3, यहां से उठा लेते हैं परसेंट, और गुना
एक बटा दो, तो यह हो जाएगा, दो को काट दीजिए इससे, 25% यह हो जाएगा 8.1/3। तो हम लोगों ने यहाँ, ये बहुत 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 छोटी बात है, लेकिन आप जरा से इसको देख के चलिए, समझिए कि कैसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन को प्रतिशत में। अब हम लोग तीसरे टाइप पर चल रहे हैं। विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरे टाइप में हम लोग यह देखेंगे कि साहब रेशियो और परसेंटेज में क्या संबंध है। अभी जो आप दोनों पढ़े हैं उसी से रिलेटेड, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा कि 2:5 का प्रतिशत रूप क्या है। अब जरा सा इसको देखिए, तो यह 2/5 हो जाएगा और इसको आप बदल दीजिए, अभी तुरंत आप सीखें, 2×1/5, 1/5 कितना परसेंट होता है, अभी सोच के आप देखिए, तो यह हो जाएगा 20, यह हो जाएगा दुगना, 20×, यह कितना हो जाएगा 40%। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीख लिया है, और ऐसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो यह हो जाएगा, यह होगा 2/5×100, ऐसे काटिए तो 20×40। यहां एक बात आपको बतला दें कि यह सवाल CGL में, यानी SSC के ऊपर के लेवल्स में रेगुलरली पूछा जाता है, प्लस जब भी आप गणित की बात करेंगे तो जहां जहां त है वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, जैसे प्रतिशत, जैसे औसत, जैसे अनुपात, तो यहां हम लोग अनुपात को सीधे खींचकर प्रतिशत में और लाकर, या प्रतिशत को अनुपात में, क्योंकि अनुपात मूलतः एक फ्रैक्शन होता है, और आपको काम करने की यहां काफी आजादी मिल जाएगी, आसानी से आप काम कर पाएंगे, अपने मैथमेटिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करके कठिन से कठिन सवालों को आप बना सकते हैं। अब आइए थोड़ा हम लोग टाइप 4 की तरफ चलें। अब टाइप 4 में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि प्रतिशत में किस प्रकार चीजों को बदला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिख दें, क्वेश्चन है कि आम कॉमा नारंगी का कितना प्रतिशत है। आम ये फॉर्मेट परसेंटेज में भी काम देगा, परसेंटेज से बाहर के सवाल में भी काम देगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फॉर्मेट अगर आप DI, अब तो DI हर जगह पूछता है, SSC में पूछता है, रेलवे में पूछता है, बैंक्स में पूछता है, इवन सिविल सर्विसेज में पूछता है, हर जगह ऐसा कोई भी कंपटीशन का परीक्षा या इम्तिहान नहीं है जहां यहां से आपको सवाल नहीं रहे। तो हम लोग यह सीखे कि साहब सवाल मेरा ये कह रहा है कि आम नारंगी का, जरा इस चीज को देखिए, आप प्रश्न पूछिए किसका, और जो किसका आए उसको यहां रख दीजिए, किसका, आपका यह हो गया प्रश्न, और यहां कर दीजिए 100, यह मिल गया आपका। बड़ा बेसिक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ठीक से नहीं सीख पाइएगा तो सवालों को यहां बनाने के लिए थोड़ा सा लंबा सोचना।
आपको दिमाग में रखना होगा कि इसका एक्स परसेंट बराबर इतना, तो एक लाइन की बचत। और आप जानते हैं जैसे बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, समय हम लोग ऐसे ही बचा। तो यहाँ मेरा इसके हो जाएगा आम नारंगी का, पूछेंगे सवाल किसका, किस से, किस पर, कौन कौन सवाल आप पूछिएगा, आप पूछिएगा किसका, किस से, किस पर। और जो उत्तर आए इस तीनों को इस जगह पर, जैसे यहां है तो हम पूछेंगे कि आम नारंगी का, हम पूछेंगे किसका, जवाब मिला नारंगी, तो इस जगह यहां नीचे हम लोग लिखने जा रहे हैं नारंगी। क्या लिखने जा रहे हैं? नारंगी। और यहां हो जाएगा आम और यहां गुना हो जाएगा 100। ये मेरा आंसर है। तो जब भी सवाल पूछे टाइप 4 में कि आम नारंगी का कितना प्रतिशत है, तो आप अब आइए इसको हम लोग एक सवाल में ढाल लें। सवाल ये है कि एक जगह कुल विद्यार्थी का और शाम का वक्त है, इसलिए हम तो गर्मी से थोड़ा सा, लेकिन मजा रहा आपको पढ़ाकर। अब आइए हम लोग आज एक टाइप और हम लोग देखें, और यह है टाइप नंबर 5। एक दिन में आइए हम लोग टाइप नंबर अब देखने जा रहे हैं 5। अब देखना यह है, सीखना यह है कि 100 आखिर किसको माने। तो ध्यान दीजिएगा, जहां प्रेशर पड़े इन कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, जहां स्ट्रेस हो वहां हम लोग रख देते हैं। गौर कीजिए, जो आदमी प्रतिशत में 100 लिखना सीख गया, आधा प्रॉब्लम तो उसका ऐसे ही खत्म। जैसे आइए हम लोग एक सवाल छोटा सा देख लें कि ए की आय, बी की आय से 20% ज्यादा है, ठीक है। किसकी आय? ए की आय। किस से? बी की आय। तो जैसा हमने कहा यहां स्ट्रेस किस पर पड़ रहा है, आपका जवाब होगा बी पर। तो 100 मेरा कौन हो जाएगा? तब बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? इसी में दूसरा सवाल, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो ये सवाल तो आप मौजवानी बना सकते। और ध्यान दीजिएगा, इस जगह हम लोग जो ट्रिक लगाते हैं वो होता है एक्स बटा 100 प्लस एक्स गुना। आप इसको नहीं लगाइएगा, नो मत लगाइए, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये स्लो है, दिस इज ए स्लो प्रोसेस। आइए हम लोग देखें कैसे। और एक बात और है, परीक्षा हॉल में गर्मी में अगर दिमाग घूम गया तो इस प्लस के जगह आप खट से माइनस रख दीजिए और आपको पता भी नहीं चले। लेकिन अगर हम लोग यहां बनाए, हमने सीखा कि साहब जहां भी प्रेशर होगा, जहां भी स्ट्रेस दिया जाएगा, हम खट से वहां 100 रख देंगे। जैसे ए की आय बी की आय से, किस से? बी की आय से 20% ज्यादा है, तो बी को अगर 100 मानते हैं तो ए होगा इससे 20 ज्यादा, तो यह कितना हो जाएगा? 120। अब पहला सवाल है बी की ए की आय का, बी की आय ए की आय का, किसकी आय का, पहले टाइप में पढ़ चुके हैं। तो मेरा पहला सवाल का आंसर हो जाएगा
बी की आय ए की आय का, तो नीचे हो जाएगा 120। और आप इस ट्रिक को याद कीजिएगा, कब लिखिएगा 120 और परीक्षा हॉल में गलती से यहाँ माइनस भी आ सकता है, और यहाँ हो जाएगा 20, यह हो जाएगा गुना, यहाँ है कि ए सॉरी ए की आय का, तो ए की आय यहाँ 100 है, आप इसको काट के इसका जवाब ले लीजिएगा। दूसरा कहता है बी की आय ए की आय से, किससे भैया जी, ए किस से, आपने सीखा है कितना ज्यादा है, ये 100 है ये 120, तो यह 20 ज्यादा है और ये 120 है ये 100 है, तो 20 कम है, यहाँ 20 और आपका ये दोनों मिल जाएगा। तो आज यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद अगला क्लास में हम लोग इससे आगे की सूचना को देखेंगे। उम्मीद है कि आप प्रतिशत को देखने का ये नया तरीका जरूर सीखिएगा किसी भी जगह। मैंने यहाँ लिखा तो जरूर है परसेंटेज टाइप्स कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स, लेकिन हम ट्रिक्स को ख़त्म कर देंगे, एबोलिश कर देंगे, किल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे कॉन्सेप्ट्स। तब तक बढ़िया से पढ़िए, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।